नमस्ते, मेरा नाम माधवी है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और आज मैं अपने कंपनी ग्रीन प्रोटीन के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। एक 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन जिसे हम 6 फ्रूट और 3 स्मूदी फ्लेवर्स में बनाते हैं। ये केवल मार्केट में एकमात्र प्रोटीन है जिसका लुक और फील एक जूस के जैसे है, उतना ही रिफ्रेशिंग और डाइजेस्ट करने में उतना ही आसान। नॉट ओनली दिस, अब सिंगल सर्विंग सैशे हम मार्केट में ₹79 में बेचते हैं, तो इसे ट्राई करना वॉलेट फ्रेंडली भी है। शार्क्स, हम ये स्टोरी चेंज करना चाहते हैं कि प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए बनाया गया है। जब आप थके हारे घर आते हैं तो क्यों ना कोई हानिकारक कोल्ड ड्रिंक की जगह आप ग्रीन प्रोटीन चूज करें। अनुपम, दिस डजंट टेस्ट लाइक प्रोटीन शेक, इट टेस्ट लाइक जूस। व्हिच कैन यू, आप बताएंगे कौन सा? ये पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल इज वन ऑफ आवर बेस्ट सेलिंग फ्लेवर्स। इसमें इसका कलर कर्क्यूमिन से आता है। इट्स अ नोन एंटीऑक्सीडेंट। वी ट्राई टू कीप कलर्स और फ्लेवर्स जितने हद तक नेचुरल रख सके। वाटरमेलन का कलर बीटरूट पाउडर से आता है एंड ब्लैक करंट हैज एंथोसियानिन व्हिच इज टेकन फ्रॉम पर्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इनमें काफी शुगर भी है। ब्लैक करंट तो पूरी चीनी है यार। There's no added sugar. We do use 0.02 grams of sucralose, सिर्फ plant protein को थोड़ा palatable बनाने के लिए। Sucralose is not good for you. ये misconception है। Actually, एक normal weighing आदमी या औरत up to 50 grams of sucralose आसानी से बिना कोई side effect digest कर सकता है। और हमारा एक क्लेम है कि हमारे प्रोडक्ट के लिए आपको शेकर, ब्लेंडर, मिक्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स सपोज्ड टू बी इजीली मिक्सेबल। आप क्या लेंगे? जी बहुत इंटरेस्ट है तो इसलिए मुझे ये पाइनएप्पल वाला ट्राई करना। मुझे ना ये शार्क टैंक की जगह जूस काउंटर वाली फील आ रही है यहाँ पे। मेरे को ये चाहिए। अमन, अमन, अमन। अमन को तो पसंद नहीं आया। आप ट्राई तो करो, आप ट्राई तो करो। This is not so bad. अगर सबने जूस पी लिया है तो हम शुरू करें। आपकी क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड जरा बताइए। I'm a lawyer by profession. मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। Wow, well done. Good job. Yes, foreigner. That takes a lot of courage. I have a 20-year-old daughter and they're all lovely. Yes. आप skin care products sell कीजिए। नहीं माधवी, you should say ये मेरे प्रोटीन का कमाल। मैंने लॉ 1-2 साल प्रैक्टिस किया। मुझे नहीं लगा कि ये करियर को मैं जस्टिस कर पा रही हूँ, तो मैंने कन्वीनियंटली एक ब्रेक ले लिया। और मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ को फाउंडर्स हैं। दिस केम अप ओवर कॉफ़ी एंड कॉन्वर्सेशंस। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड परिग्ना है, शी इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंट। मी टू। मेरे जो दूसरे को फाउंडर है पराग, ही इज़ अ रनर बट ही कम्स फ्रॉम अ जैन हाउस होल्ड। उनको प्रोटीन शेक पसंद नहीं थे, अंडे उनके घर में अलाउड नहीं थे, सो इट वॉज अ रियल प्रॉब्लम। तो आपने सोचा एक नए प्रोडक्ट की जरूरत है जो सबको भाए। एब्सोल्युटली। और सतीश जी, आप हमेशा इतना बोलते हैं? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती है एक्चुअली। आपका रिलेशनशिप क्या है? वही पूछ, हम लोग हस्बैंड वाइफ है। ओके, हाँ। तो आप को-फाउंडर नहीं है ग्रीन प्रोटीन में? नहीं। आपने बिजनेस में पैसा कितना लगाया है? हम तीनों पार्टनर्स ने अभी तक 30 लाख ईच। 30 लाख तो 90 लाख रुपए लगा। 90 लाख रुपए। और आपका इक्वल पार्टनरशिप है? सर, पेपर पे इक्वल नहीं है। और आप तो वकील हैं, आप तो पेपर पे ही चलेंगी। किसी ने मुझे बोला है कि आप वेंचर करोगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, लेकिन आपके नाम में मिनिमम शेयर होल्डिंग है, तो परिग्ना इज होल्डिंग माय शेयर्स फॉर मी। आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो। Yes. और आप प्रेजेंट करने आज आ पाए हो, रीजन? जब झगड़ा होगा बिटवीन पराग, परिग्ना, माधवी, हु इज द फाइनल डिसीजन मेकर? इट इज मी। दे विल एक्सेप्ट। दे विल। बाकी 2 लोग क्या करते हैं? परिग्ना हेयर स्टाइलिस्ट थी, पराग यूज्ड टू बी इन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। और आप मैन्युफैक्चरिंग किसी और से कराते हो? ये मैन्युफैक्चरिंग किसी और से कराते, पर इंग्रेडिएंट्स सारे हम लोग सप्लाई करते हैं। वो फॉर्मूला की राइट्स किसके पास है? फॉर्मूला की राइट्स ग्रीन प्रोटीन के पास है। मेरा डिसीजन बन गया है। देखिए, मैं इससे बाहर हूँ। मेरे को ना कहीं भूख कम लग रही है। समाओ ना, मेरे को लग रहा है कि हर एक का कोई एक सेटल्ड लाइफ है, चल गया बढ़िया है, नहीं चला तो भी बढ़िया ही है, ठीक है। और मेरे को थोड़ी भूख होनी ज़रूरी है लोगों में, तो उस कारण से मैं आउट हूँ। आई डोंट अग्री अबाउट द ड्राइव। We all have a drive. What is your drive? आपको किस चीज से किक आती है या क्या चीज है जो आप करना चाहते हो? So जब भी कोई कस्टमर मार्केटिंग ऑफिस में बोलता है मेरा प्रोटीन खत्म हो गया है, प्लीज आज डिलीवरी हो सकती है, उनकी अर्जेंसी देख के बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बनाई हुई चीज आज कोई पैसे दे के खरीद रहा है। Spoken like a true entrepreneur, Madh. मौसम बदलता है हर 4 महीने, हमारे बॉयफ्रेंड्स बदलते हैं हर 2 महीने, हमारा मूड खैर वो बदलता है हर घंटे। जब सब कुछ बदलना इतना इजी है तो बालों का कलर बदलना इतना डिफिकल्ट क्यों? हाय शार्क्स, आई एम योशिका और मैं हूँ सिद्धार्थ। हम पैराडाइज के फाउंडर्स हैं और अहमदाबाद से आए हैं। हम लाए हैं आपके बालों के लिए एक कलरफुल एंड इंस्टेंट ट्विस्ट विद पैराडाइज। पैराडाइज एक ऐसा ब्रांड है जो आपको ऑफर करता है कूल और फन सेमी परमानेंट हेयर डाइज। हमारे पास आज 20 से भी ज्यादा कलर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये सारे कलर्स आपके बालों के लिए बहुत ही सेफ हैं और सिर्फ 8 to 10 वॉशेस तक लास्ट करते हैं, ताकि आपको किसी भी कलर को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना देना पड़े। स्टनिंग हेयर, ऑल ऑफ यू स्टनिंग। आप हमारे प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं हमारी खुद की वेबसाइट birdsofparadise.com से। हम ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे Amazon, Flipkart, Purple पर भी अवेलेबल है। ऑफलाइन हम हेल्थ एंड ग्लो के 35+ स्टोर्स अक्रॉस 4 सिटीज इन इंडिया में भी प्लेस्ड है एंड 60,000 से भी ज्यादा हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी बन चुकी है। एक्सलेंट। हमारा मेन विजन है कि हम हेयर कलरिंग के रिलेटेड जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं उनको ब्रेक करें, हेयर कलरिंग को मेकअप की तरह नॉर्मलाइज करके लोगों तक एक्सेसिबल बनाएं। माय गॉड, आप सच में हेड हंटिंग को नया मीनिंग दे रहे हैं। एक्चुअली सिद्धार्थ ने भी कलर किया है, ही इज माय को-फाउंडर एंड हस्बैंड। वाओ, आई कांट टेल। या बिकॉज़ इट्स अ वेरी डीप शेड ऑफ नेवी। इनमें से कोई भी नहीं मानेगा, मेरे कॉलेज में ना रेड स्ट्रिक्स थे बालों में। Impossible. वो कोई केमिकल लैब में एक्सीडेंट हो गया होगा। मैं कनाडा में पढ़ता था, इंडिया आया था, हेयर कट कराने गया था, वो मेरा स्टाइलिस्ट रेड कलर के स्टिक कर दिए। अब मैं चला गया कनाडा वापस, वो 3 महीने वो जो फेडिंग हुई ना उसकी, रेड, लाइट रेड, फिर ऑरेंज हो गए। ओह माय गॉड, मतलब मेरे को लोग लाल बाल बुलाते थे एंड माय हेयर यूज्ड टू बी दिस लॉन्ग। Yoshika and Siddharth, welcome to Shark Tank. Before we get more into business, थोड़ा बताइए कि आप दोनों इससे पहले क्या करते थे, कितने सालों पहले आपकी शादी हुई? मैंने अपना बैचलर्स फैशन में किया था, I was in NIF. तभी भी मैं बाल कलर कर रही थी, बट तब ऑब्वियसली इंडिया में इतना कलर्स भी नहीं मिलते थे। I used to get from Amazon and मेरे फादर का फैक्ट्री था, तो I used to take the dyes and color on my own. फादर का फैक्ट्री था कलर्स का? He had a specialty chemicals का फैक्ट्री, टेक्सटाइल की, हेयर की, all of those dyes. वही कलर लेके बालों में लगा लेती थी। हाँ, तो मैं लगा लेती थी। कितने साल की थी? So I think I was 17. Wow. Crazy teen. Crazy. When I came back, I interned at IIM Ahmedabad's investment wing, CIIE. So I was there for 2 months, but then COVID आ गया, so it was cut short. By the time मैंने इनसे भी मुलाकात मेरी हो चुकी थी। We met on Tinder. That is your real competition. Was he the first guy you met on Tinder? No, no. How many years? It's been 2 years of marriage and 3 years of us together. Are very good. And what's your story? So मैंने अपना schooling अहमदाबाद से ही किया था. I have a commerce background. और उसके बाद मैं अपने MBA के लिए पुणे गया. And उसके बाद I started working with Siemens Financial Services. फिर थोड़े फैमिली कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैंने पुणे से अहमदाबाद ट्रांसफर लिया। दैट इज व्हेन आई मेट हर। वी इंस्टेंटली हिट इट ऑफ और हम लोग बातें काफ़ी करते थे। हेयर कलरिंग वाज लाइक कोर टॉपिक टू टॉक अबाउट। सो इवेंचुअली उसने शेयर किया कि यू नो मेरा ये प्लान है, मुझे ऐसा कुछ शुरू करना है। सो इवेंचुअली देन आई रिजाइंड फ्रॉम माई सीमेंस का जॉब 2020 में हम लोगों ने पैराडाइज को रूट लेवल से शुरू किया, हमने फॉर्मुलेशंस और इन सब का R&D अंकलेश्वर में शुरू किया। देन 2021 मार्च एंड में हमने ऑपरेशंस शुरू किए। आपको लगता है दिस इज हियर टू स्टे की फैड है? नहीं, डेफिनेटली। इंडिया इज अ यंग नेशन नाउ। आज की डेट में जो पेरेंट्स बन रहे हैं वो मिलेनियल्स हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं जितने हमारे पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स हुआ करते थे। मेरे ऑफिस में रेनबो वाल मतलब जिस 7-8 कलर वाले मल्टीपल लड़कियां हैं और ब्राइट कलर्स वाली तो मतलब 30-40 लड़कियां होंगी आउट ऑफ। तो आप देखते हैं तो आप समझा पाएंगे यूनिट इकोनॉमिक्स। तो 1100 रुपीज का हमारा एवरेज ऑर्डर आज की डेट में है, उसमें से 160 फॉर द पैकेजिंग, 40 रुपीज अराउंड हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है बस। हाँ जी। फिर उसके बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज। तो हमारा जो ग्रॉस मार्जिन बनता है वो अराउंड 70 to 75% बनता है। अभी आपके पास 800 रुपये बच गए। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन अराउंड 200 to 250 रहता है। ओके। और हमारी सैलरी अराउंड 330 रुपये रहती है। हमारे जो नेट प्रॉफिट है पिछले फर्स्ट 6 मंथ्स का भी इट इज अराउंड 19%। तो आपने 2.5 करोड़ में से 50 लाख का प्रॉफिट बुक किया। 50 लाख का प्रॉफिट आपने बुक किया। एक बार ये सोशल मीडिया देखें हम। तो ये पहला वीडियो इज कलर ऑफ द मंथ का। आई थिंक हम वो जो करते रहते हैं। वाह, आमरस। वो सीजनल कलर्स जो हम निकालते हैं। कंटेंट में दम है, सॉलिड है यार। इंस्टा पेज भी सॉलिड है, कंटेंट भी अच्छा है आपका। थैंक यू, वेरी नाइस। कैप टेबल में कौन है? सो मेरा 40% है, इनका 20% है। 20% इज विद माय ब्रदर एंड 20% इज विद माय मॉम। ओह वाओ। भाई और मॉम को क्यों? सो एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था 40% वाज विद माय डैड बट अनफॉर्चूनेटली ही पास्ड अवे इन कोविड। ओह सो सॉरी। तो उनका 20% मुझे मिला एंड 20% मेरी मॉम को हमने दे दिया बिकॉज वो अभी मैन्युफैक्चरिंग सुपरवाइज करते हैं। और जो इसके भाई का बैकग्राउंड है, जो इनके फादर का भी बैकग्राउंड था, तो वो केमिकल साइड उनका बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है। सारे कलर्स में जो डाइज जाती है उसके पीछे जो केमिस्ट्री लगती है तो वो सारा टेक्निकल नो हाउ और एक्सपीरियंस इनके ब्रदर करण इज प्रोवाइडिंग। और वो बिजनेस कितना बड़ा है? वो 800 करोड़ का बिजनेस होगा। 800 करोड़। कोई भी हेयर डाई बनाने के लिए, परमानेंट हो गया या सेमी परमानेंट हो गया, इसके लिए जो कोर रॉ मटेरियल है वो इनके भाई के ही कंपनी में बनते हैं एंड दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स इन द होल वर्ल्ड। बारिश इस बारिश के मौसम में डरा दिया। किसको पकोड़े खाने का मन नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता और कुछ लोगों को अच्छे पकोड़े बनाने आते नहीं। तब आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि पकोड़े घर पे डिलीवर किए जाएं, पर जब तक वो घर आते हैं तब तक वो कचकच सौगी खराब हो जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे पकोड़े खाए हैं जो सौगी ना हो, ऑयली ना हो और क्रिस्पी रहे डिलीवरी पे? नहीं ना। मैं एक पंजाबी हूँ और मैं एक बात बताऊँ आपको, ये प्रॉब्लम पराठों के साथ भी है। आपने कितने सारे ब्रांड्स इंडिया में देखे होंगे, पिज्जास के, बर्गर्स के, अब तो मोमोज के भी इतने सारे ब्रांड है भारत में, लेकिन क्या कोई पराठा और पकोड़ा का ब्रांड है? नहीं। बट ये मार्केट साइज ह्यूमंगस है। अनटैप मार्केट को टैप करने का हमने निर्णय लिया। हाय शार्क्स, आई एम गीतिका आनंद गुप्ता। हाय, आई एम गौरव गुप्ता और हम हैं को-फाउंडर्स MOPP फूड्स के। मैड ओवर पराठा एंड पकोड़ा, इंडिया का पहला पराठा एंड पकोड़ा ब्रांड। हमारे पराठा एंड पकोड़ा ना ही सौगी होते हैं ना ही ऑयली होते हैं और आपके घर तक आने में वो क्रिस्पी रहते हैं। हम लोग एक क्लाउड किचन फॉर्मेट पे काम करते हैं। तो पराठास एंड पकोड़ास के अलावा हमारे पास डेली मील्स के लिए एक ब्रांड मिली एंड ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन करीज के लिए एक ब्रांड मैड ओवर करी भी है। अभी तक हमने 3.5 लाख ऑर्डर डिलीवर किए हैं। अब आप भी सब कुछ बोलेंगे कि मैं भी कुछ बोल दूं? 75 lakhs at 2.25. जल्दी से मैथ्स करो तो 33.33 करोड़। Exactly 32 गया। क्या मैथ्स आप? बड़ा मैथ। वाह, मन मैथ जीनियस। गीतिका जी एंड गौरव जी, स्वागत है आपका शार्क टैंक सीजन 2 में। थैंक यू। थैंक यू। आपने एक इंटरेस्टिंग सी बात कही कि आप पंजाबी हैं और गुप्ता भी हैं। पंजाबी मेरे मम्मी पापा का प्यार है, गुप्ता मेरा जिंदगी वाला प्यार है। मैड ओवर पराठा एंड पकौड़ा, ये कैसा आइडिया आया और आपने पराठा और पकौड़ा को क्यों कंबाइन कर दिया? ये जरा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन लगा। हमने जो है 14 साल दुबई में बिताए हैं। हम जब इंडिया आए तब मैंने कहा गिरिक इज माय सन्स नेम। अब इंडिया आए हैं, यहाँ के मैं आपको ऑथेंटिक देसी पराठे एंड पकौड़े खिलाना चाहती हूँ। To the irony, हमें कोई भी एक मिड सेगमेंट हाइजीनिक ब्रांड नहीं मिला। तो घर पे नहीं बनाते हो पकोड़े पराठे? बट ऑर्डर करके मंगाने भी होते हैं ना। अच्छा। पता चला इनको कुकिंग करना पसंद नहीं है तो we were looking for। चलो अब हुई ना सीधी बात, अब ये अंदर की बात बाहर आई है। तब हमने नोटिस किया कि या तो वो 40-50 रुपए के मिलेंगे या फिर यू गो टू अ नाइस फैंसी रेस्टोरेंट। दैट टाइम हमने ये अपॉर्चुनिटी देखी। हमने मतलब आपने ये अपॉर्चुनिटी देखी? हाँ, मैंने ये अपॉर्चुनिटी इन्होंने देखी। यस एब्सोल्युटली। मैंने तब बोला था ये अपॉर्चुनिटी है, तब माना नहीं। तो जो है दिख रहा है बेचारे की हालत देख के लग रहा है जिस तरह से वो खड़े ऐसा लग रहा है डर के मारे खड़े। आपके शादी को कितने साल हो गए? शादी को कितने साल हो गए? 18 years। हाँ, लवली। मुझे तो लगता है सारे डिसीजन आप ऐसे लेते हो जो सिर्फ आपको पसंद है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ये इंप्रेशन जा रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। That's so sweet. आपको बोलने की इजाजत मिल गई। अच्छा एक बात बताइए, मॉप का मतलब इंग्लिश में झाड़ू होता है ना? वो MOP होता है। वो विजन आता है when you see mop. Correct. I agree. अभी भी आप लोगों का यंग कंपनी है, अभी भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो ये कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी हमने किया है एक दो बारी। हो सकता है ना, तो यू आर फ्लेक्सिबल इन चेंजिंग। चेंज होना पॉसिबल है। टोटली एग्री विद यू। एक किचन से अब हम 3 ब्रांड चलाते हैं और हमारा फ्यूचर में एक और ब्रांड लॉन्च करने का प्लान है कि अब MOPP Foods रिलेट नहीं होगा क्योंकि अब हम सिर्फ मैड ओवर पराठा एंड पकौड़ा नहीं है। तभी ये डिस्कशन चल रहा है। बारिश नहीं आई पर पकौड़े लग रहा आ गए हैं। आ रहे हैं, बिल्कुल रेडी है। ये तो मैं स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन हूँ। ये हेल्दी है। हेल्दीयर डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा पराठा है, बटर चिकन पराठा। थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत बढ़िया है। ये फ्लेवर्स कौन से हैं? तो एक है हमारा टॉप सेलिंग पराठा जिसका नाम है आलू प्याज पराठा। फिर हमारा दूसरा एक पराठा है जो वेजिटेरियन पराठा है, उसका नाम है इटालियन ट्विस्ट पराठा। वेरी नाइस। नॉन वेजिटेरियन में हमने आपको सर्व किया है आज बटर चिकन पराठा। उसके साथ एक आप देखेंगे ओवल शेप में पकोड़े हैं, बटर चिकन पकोड़ा।